स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा प्लस में। और आज हम आपको बताएंगे एक होममेड आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में जो कि काफ़ी अफेक्टिव है। ये बालों की सारी समस्याओं को दूर करेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये आपके बालों के झड़ने को जड़ से रोकेगा। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोक के बालों को काला बनाएगा। ये बालों को घना, लंबा, काला और मजबूत बनाएगा। ये एक डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करेगा। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। आंवला 150 ग्राम, भृंगराज 100 ग्राम, हर्रे 150 ग्राम, बहेड़ा 75 ग्राम, रीठा 50 ग्राम और शिकाकाई 50 ग्राम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको किसी भी पंसारी के दुकान पे आराम से मिल जाएंगे। ये है आंवला, इसमें लौह तत्व और विटामिन सी होता है जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये हर्रे है, इसमें कुछ स्पेशल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं। ये शिकाकाई है, इसमें विटामिन सी, ए, ई और के होते हैं जो बालों को सॉफ्ट और शाइनियर बनाते हैं और नरिश करते हैं। ये है रीठा, जो स्कैल्प और हेयर क्लींजर है जो कि उसे अच्छे से साफ करता है। ये है बहेड़ा, ये स्कैल्प के इन्फ्लेमेशन को और डैंड्रफ को समाप्त करता है। ये है भृंगराज, ये बालों को काला करता है क्योंकि ये केश रंजक है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके मोटा मोटा कूट लें आप, पाउडर नहीं बनाना है, मोटा मोटा कूटना है। अब कूटने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद धूप दिखा के जार में स्टोर कर लें। आप इसे 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब यूज़ करने के लिए आपको अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ अपने बालों के लेंथ के हिसाब से 3 टेबल स्पून लिया है। अब 3 टेबल स्पून इस मिक्सचर को सोक करने के लिए हम लेंगे 1.5 कटोरी पानी। अब हमें इसे ओवरनाइट सोक करना है। अब ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह में हमें इसे हाथ से अच्छे से मसलना है। मसलने के बाद एक कपड़े की सहायता से इसे छान लेना है। छानने के बाद जो आपको पानी मिलेगा, यह आपका शैम्पू तैयार है। आपको इसे अपने बालों में लगा के 1 घंटे छोड़ के धो लेना है। इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें आप भृंगराज रस ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए आप लगा लें और जैसे शैम्पू को धोते हैं वैसे धो दें। ये शैम्पू आपके बालों को अच्छे से क्लीन करेगा। इसको लगाने के बाद कोई भी आर्टिफिशियल शैम्पू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बाल सॉफ्टर, शाइनियर और बाउंसी हो जाएंगे। तो इस शैम्पू को लगाएं, बालों को सुंदर बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक।